जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने समाधिस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तिका आत्मनिवेशी से लिया है। तो बात सन 1982 की है। आचार्य भगवंत सागर मध्य प्रदेश से विहार करके संघ सहित नैनागिरी जी आ गए। अब वर्षा काल निकट था, पर अभी भी बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। पानी के अभाव के कारण गांव के जो लोग थे वो बहुत दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, अगर वर्षा नहीं हुई तो उनका काम किस तरह चलेगा। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जैसे ही आचार्य भगवंत शौच क्रिया के लिए मंदिर से बाहर आए, तभी गांव के सरपंच ने आकर अत्यंत श्रद्धा के साथ गुरुदेव के चरणों में अपना माथा टेका और विनीत भाव से बुंदेलखंडी भाषा में गुरुदेव से कहा कि हुजूर, आपको 4 महीने इतई रहने हैं और पानी इस साल अबलो नहीं बरसो, सो कृपा करो गुरुदेव, हमें पानी जरूर चाहिए। अर्थात गुरुदेव, आपको इस बार 4 महीने यही रहना है और इस साल पानी अभी तक नहीं आया है, तो गुरुदेव कृपा करो कि पानी जरूर बरसे। आचार्य महाराज ने मुस्कुराकर उन्हें आशीष दिया और गुरुदेव आगे शौच के लिए चले गए। अब यह जो बात थी वह आई गई सी हो गई, लेकिन उसी दिन शाम की बात है, शाम होते होते आकाश में बादल छाने लगे और दूसरे दिन सुबह से बारिश होने लगी और यह बारिश पहली बारिश थी। और दोस्तों, बारिश इतनी कि 3 दिन तक लगातार पानी बरसता ही रहा। सभी लोग भीग गए, जो जल मंदिर वाला तालाब था नैनागिरी में वह भी खूब भर गया। दोस्तों, चौथे दिन अब सरपंच महाराज खुद ही आचार्य भगवंत के चरणों में आकर माथा टेक दिया और गदगद कंठ से बोले, हुजूर, इतनो नोई कही थी हमने, बहुत पानी गिर गयो, लेकिन खूब कृपा करी आपने। अर्थात गुरुदेव, इतना नहीं कहा था हमने, आपने तो बहुत ही वर्षा करा दी, लेकिन बहुत कृपा हुई आपकी गुरुदेव। दोस्तों, आचार्य महाराज ने सहज भाव से उन्हें आशीष दिया और अपने आत्म चिंतन में लीन हो गए। परंतु वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों के मन में यह विचार चल रहा था कि इसे मात्र संयोग माना जाए या आचार्य महाराज की अनुकंपा का फल माना जाए। परंतु जो भी हुआ वह मन को प्रभावित करने वाला था। दोस्तों, ऐसे आचार्य भगवंत जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कर दिया करते हैं, उनके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। ऐसे संत शिरोमणि जगत आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। फिर मिलेंगे गुरुदेव के कुछ नए रोचक संस्मरण के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और गुरु भक्ति में लीन रहें। सादर जय जिनेंद्र।